हमीद और आयशा की शादी हो गई। ये तो तफसील से सुनाया है कि ये शादी किस तरह हुई थी। जिस शाजी ने ये शादी कराई थी, इसे मेरी और हमीद की फेंटी ऐसी रास आई थी कि आज इसका हर साल उर्स होता है और इसकी गद्दी पर इसका बेटा बैठा अपने इलाके पर हुकूमत कर रहा है। इस गद्दी के मुतल्लिक मशहूर है कि जिन्नात भी सलाम को आते हैं। अगर किसी का यह ख्याल है कि शागो देहात के पसमानदा लोग ही पीर मानते और अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए इसके यहाँ जाते होंगे, तो वो शख्स बहुत बड़ी गलत फहमी में मुबतला है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की डिग्री याफ्ता लोग इस पीर के मुरीद हैं और यही तालीम याफ्ता इस पीर की करामात और मौजे नशर करते हैं जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है। हमीद को फौत हुए 4 साल गुजर गए हैं। आयशा जिंदा है, मेरी तरह बहुत बूढ़ी हो गई है। कभी कभार इसके गाँव जाता हूँ। हमारा प्यार आज भी तरोताज़ा है। 1.5-2 महीने गुजरे, मैं अपने कस्बे के बाज़ार से कुछ लेने गया तो वहाँ आयशा से मुलाकात हो गई। वो अपनी एक पोती की शादी के कपड़े लेने आई थी। मैं इन्हें अपने घर ले आया। खानी आयशा ने इधर उधर की बातें करके मुझे कहा, इन पढ़े लिखे लोगों से तो हम अनपढ़ और गवार अच्छे थे। इस पीर के मज़ार पर जोर सोता है, कभी वो देखने हमारे गाँव आना। बाज़ मुरीद कारों में आते हैं। लोगों को मैंने इस शाह के मज़ार पर सजदे करते देखा है जिसे तुमने और हमीद ने दरख्त के साथ बांध कर बैदों से पीटा था। मैं दूसरों की क्या कहूँ, मेरी अपनी औलाद पढ़ लिख कर इस पीर की मुरीद है। मेरी एक बहू हर नए चांद की पहली जुमेरात मज़ार पर दिया जलाती है। मैंने इन्हें सिर्फ एक बार कहा था कि इस गद्दी की असलियत क्या है। सब ने कहा तुम तो पीरों की बददुआई हुई हो। इन्हें सुना देना था कि हमीद के साथ तुम्हारी शादी किस तरह हुई थी। मैंने कहा, ना खानी, इसने हंसते हुए कहा, ये बात तो मैं किसी को भी नहीं सुना सकती। मैं तो अल्लाह को याद करती हूँ, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। मुझे हमीद अल्लाह ने दिया था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया तो वो कहती थी कि अब लोग अल्लाह को ही हुक्मरान समझेंगे, लेकिन यहाँ तो पीरों की हुक्मरानी है। लोगों को इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया आयशा। मैंने कहा, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, तुम अपनी कब्र की ठंडक का सामान करो। आयशा जब भी मिलती है हमें ऐसी ही बातें किया करते हैं। आइए मैं आपको जवानी के वक्तों में ले चलता हूँ जहाँ से मेरा यह सफ़र शुरू हुआ था। मैं तो ये समझा था कि दुनिया वाजदा पर जाकर ख़त्म हो जाती है और यही मेरी मंजिल है। मैं इसकी खातिर जान तक का ख़तरा मोल लेने को तैयार हो गया था और मैंने अपने आप को ख़तरों में डाला भी था। मैंने फौजी नौकरी क्या करनी थी, ये तो एक मजबूरी थी कि मैं फ़ौज में चला गया और वाजदा मुझसे छिन गई। मैंने इसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज समझ लिया और तहिया कर लिया कि वाजदा को हासिल करके ही रहूँगा। ये तो मैं सुना चुका हूँ कि मैंने वाजदा के खामन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। फिर मुझे दोस्त मिला तो हमीद मिला। वो आयशा को चाहता था और इसी को ज़िंदगी का मकसद समझता था। मैं जब कबायली पठानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गया था तो दिल पर यह खौफ तारी था कि मैं मारा जाऊँगा, मैं पठानों का कैदी हो गया। तो मैं समझा कि बस ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन मैं इस बूढ़े पठान के सामने बैठा और इससे बातें सुनी तो मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू हुई है। ये ना समझे कि मैं बदमाश था या चोर और डाकू उचक्का था और मैं यकलख्त मोमिन बन गया था। आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी कि एक डाकू डाका डालकर जंगल में जा रहा था तो इसे कोई सूफी या दरवेश मिल गया। उसने डाकू के साथ कोई ऐसी बातें की कि डाकू मुतासिर हो गया और उसने इसी वक्त तौबा कर ली और घर जाकर तस्बीह हाथ में ली और अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बुज़ुर्ग कबायली पठान से मुतासिर हो गया था, लेकिन मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करते हुए भी ज़िंदगी का ये चैलेंज नहीं भूला था कि मैंने वाजदा तक पहुंचना है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि मैं जब कैद से रिहाई पाकर वापस अपनी बटालियन में आया तो मैंने यूँ महसूस किया कि मैं अब कैद हुआ हूँ। पठानों के हाथ तो मैं आज़ाद था। मैंने अपने अंदर घुटन सी महसूस की। मैं उस घुटन को समझता था, लेकिन मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ये हाल था या दिल की ये कैफियत थी कि वापस आते ही पहला काम ये किया कि अपने दोस्त सदाकत को ख़त लिखा कि वो वाजदा के मुतल्लिक कुछ जानता है तो मुझे लिखे। ये तो मैं सुना चुका हूँ कि वाजदा का ख़त आया जिसमें इसने साफ लिखा था कि वो चाहती है कि इसके खावन ने इसके साथ अपना रवैया दुरुस्त न किया तो इसे साफ करा दे। इसने मुझे भी यही कहा था कि मुझे जहाँ कहीं मौका मिले मैं आसिफ को कत्ल कर दूँ। मैं दरअसल 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा था। एक तरफ मुझे कबायली पठान याद आते थे जिन्हें मैं लड़ते देखा था और इनकी बातें सुनी थी। दूसरी तरफ वाजदा थी जिसकी याद आती तो मैं तड़प उठता और मेरे जहन से निकल ही जाता कि मैं अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हूँ और मुझे कबायली पठानों जैसा गैरतमंद होना चाहिए। हकीकत यह है कि मैं अपना ही ग़ुलाम हो गया था। इसे ख्वाहिशों की ग़ुलामी कहते हैं। हम लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में खुश थे। इसकी वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने हमारे दिलों में ख्वाहिशें पैदा कर दी थी।
एक ख्वाहिश ये थी कि अफसर मुझ पर खुश रहे और मुझे तरक्की मिलती रहे। दूसरी ख्वाहिश ये कि मेरी जेब में इतने पैसे हों कि मैं बाइज्जत ज़िंदगी बसर कर सकूं और मेरे ख़ानदान का वक़ार बढ़े। अंग्रेज़ ने हमारी इन ख्वाहिशात की तकमील हमें ये तरीका जहन नशीन कराया कि अपने से ऊपर वाले की खुशामद करो और अफसरों को झुककर सलाम करो तो सब कुछ पा लो। मैं बता नहीं सकता कि हमारे हिंदुस्तानी लोग खसूसन फ़ौज में अहदेदार और जुम्मेदार सूबेदार वगैरह अंग्रेज़ों की खुशामद किस तरह जलील तरीके से किया करते थे। तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ ने जहनी तौर पर बल्कि मैं तो कहूँगा कि रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बना लिया था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ बड़ी ही अय्यार और मकार कौम है और इतनी ज़्यादा अक्लमंद कि उन्होंने बातों बातों में हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। मेरा ख्याल कुछ और है, अंग्रेज़ों ने तहिया कर लिया था और वही अज़म लेकर आए थे कि हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना और इसे अपनी सल्तनत में शामिल करना है। दूसरी तरफ हमने ये तहिया कर लिया था कि हमने अंग्रेज़ को अपना बादशाह बनाना है। अगर किसी को मेरी ये बात समझ में ना आए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा कैफियत है वो देख लें। क्या हमारे हुक्मरानों और सियासी लीडरों ने अमरीका को अपना अन्नदाता और अपना बादशाह तस्लीम नहीं कर लिया? फिर अपनी उभरती हुई नस्लों की इखलाकी हालत देख लें। उन्होंने अमरीका के कल्चर को अपना लिया है और अपने कल्चर को बेकार और दकियानूसी समझ कर अलग फेंक दिया है। यह इनकलाब अपने आप ही नहीं आया, यह अमरीका बड़े ही प्यारे और पुरकशिश तरीक़ों से लाया और राम किया है। इसे कहते हैं ज़हनी ग़ुलामी। अमरीका ने अपने पाकिस्तानी एजेंटों के ज़रिए और कई तरीक़ों से हम लोगों के दिलों में ख्वाहिशात पैदा की। दौलत इकट्ठी करने की ख्वाहिश, अच्छी से अच्छी औरत से दोस्ती लगाने की ख्वाहिश और अपने आप को दूसरों से आला और बरतर समझने की ख्वाहिश। ये सारी बातें कहने से मेरा मुराद ये है कि हम लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हो गए थे। मैं पठानों से एक तासुर लेकर वापस अपने मुल्क और अपने साथियों में आया तो मेरा जहन फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस इसी मकाम पर आने लगा जहाँ से मैं इसे कबायली इलाके के मैदानी जंग में ले गया था। मैं फिर ख्वाहिशों का ग़ुलाम बनने लगा। मसलन हमीद की शादी आयशा के साथ हो गई तो मैंने असरिनो अहद कर लिया कि वाजदा को हासिल करके ही रहूँगा। फिर अचानक प्याम अजल आ गया, इसे मैं प्याम अजल ही कहूँगा। वो ये था कि हुक्म आया कि बटालियन फौरी तौर पर कोलकाता पहुँचे। हम समझ गए कि हमें बर्मा फ्रंट पर भेजा जा रहा है। इस वक्त बर्मा का महाज बड़ा ही गर्म था। जापानियों ने पूरे बर्मा पर कब्जा कर लिया था और जापान के बम्बार तैयारे कोलकाता की बंदरगाह तक बम्बारी कर रहे थे। बंगाल के बड़े बड़े ताजर और सेठ वगैरह वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ भाग गए थे। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी तारीख भी सुना दूँ। यही वो मोड़ था जहाँ से हिंदुस्तानियों में कुछ बेदारी पैदा हुई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि हिंदुस्तान के लीडरों ने अंग्रेज़ों की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें शुरू कर दी थी। इस वक्त अंग्रेज़ों की हालत ये थी कि जापानियों ने आज के इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्ज़ा कर लिया था। अंग्रेज़ों की फ़ौजें जिनमें इंडियन आर्मी ख़ास तौर पर शामिल थी, बर्मा से बहुत ही बुरी हालत में पसपा हुई बल्कि बेतरह भागी थी। सिंगापुर और मलाया में तो पूरी पलटन इसके जर्नैलों समेत जंगी कैदी बन गई थी। ये मुमकिन ही नहीं नज़र आता था कि अंग्रेज़ जापानियों से हिंदुस्तान को बचा लेंगे। मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें सुनाना चाहता हूँ। जापान ने जंग में जो कामयाबियाँ हासिल की थी वो जासूसों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। बर्मा, मलाया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के तमाम इलाकों में जापान के जासूस मौजूद थे जो जंग के दौरान जासूस नहीं बने थे बल्कि बहुत अरसा पहले से वहाँ मौजूद थे। जापान की फौजें जो बहरी जहाज़ों में आई थीं इनकी रहनुमाई इनके जासूसों ने की थी जो जापानी नहीं बल्कि मुकामी लोग थे। इन जासूसों की बाज़ कार्रवाइयाँ अफसानवी सी लगती थीं। शायद कुछ इन्हें हकीकी तस्लीम न करें लेकिन हम फौजी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची हैं। मसलन जापानी फौजियों ने फ़र्ज़ किया मलाया पर हमला किया और इसके साथ जापान के लड़ाका बम्बार तैयारे आते तो जासूसों ने इनकी रहनुमाई इस तरह की कि आपने खेतों में देखा होगा कि एक मसनू इंसान बनाकर खड़ा किया हुआ होता है, एक बांस ज़मीन में गाड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर स्लीप की तरह एक छोटा बांस बांधकर इस पर कमीज चढ़ा दी जाती है और ऊपर हांडी रख दी जाती है। कौवे या दाने चुगने वाले परिंदे इसे इंसान समझते हैं और करीब नहीं आते। मलाया में ऐसे ही मसनू इंसान खेतों में गाड़े हुए थे। जापान के बम्बार तैयारी आती थी तो इन मसनू इंसानों में से एक या दो अपने एक तरफ के बाजू नीचे गिरा देते थे। एक एक बाजू बाहरी यानी कंधे की लाइन में फैला हुआ था। बम्बार पायलट इस बाजू को देखते और समझ जाते थे कि इनका टारगेट इस सिमत को है। यही इशारे देने वाले इंसान मसनू नहीं होते थे बल्कि ये असली इंसान थे जो जापानियों के जासूस थे।
वो जापानी बम्बार हवाबाजों की रहनुमाई इस तरीके से करते थे, किसी को इन पर शक नहीं होता था। हमें मालूम हुआ कि जापानी हवाबाजों और शायद इनकी फौज के लिए भी कुछ और इशारे भी मुकर्रर थे। मसलन इन इलाकों में केला, नारियल और पपीता ज्यादा होता था। किसी सड़क पर केले के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए होते तो किसी को ख्याल नहीं आ सकता था कि इन पत्तों का इसके सिवा कोई और मतलब भी हो सकता है कि ये कोई फेंक गया है। ये जापानी फौज के बड़े अफसर जानते थे कि केले के इन बिखरे हुए पत्तों का मतलब क्या है। ये एक इशारा होता था कि यहाँ करीब ही कोई अहम फौजी ठिकाना है। आजकल जासूसी के ऐसे साइंसी आलात बनाए जा चुके हैं कि जासूस अपने कमरे में बैठा समंदर पार पैगाम भेज सकता है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और बरतानिया ने साइंसी तरीके इख्तियार किए थे। मसलन एक आम सी तहरीर का ख़त कोई आदमी अपने किसी दोस्त को लिखता है और ये ख़त टाइप किया हुआ है, इसमें जो फुल स्टॉप दिए गए होते इनमें पूरे पूरे पैगाम छुपे होते थे। जहाँ ये ख़त जाता वहाँ तमाम फुल स्टॉप इस तरह बड़े किए जाते, जिस तरह कोई फ़ोटो इस नेगेटिव से बड़ा यानी इनलार्ज किया जाता है। इसमें जासूस का पैगाम होता था। जापान ने इन इलाकों में जहाँ इसने कब्जा किया था जासूस पहले ही इसे भेज दिए थे, लेकिन इसके पास अभी तक कोई साइंसी तरीका नहीं था। यही वजह थी कि इसके जासूस कुछ और ही किस्म के इशारे देते थे। अलबत्त हिंदुस्तान में जापान के जो जासूस थे इनके तौर तरीके कुछ और थे। जासूसी और तखरीबकारी एक अलग मौजू है जिस पर मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इतनी बात करूँगा जितनी आम कारी के लिए दिलचस्प होगी। मैं चूँकि हवालदार क्लर्क था इसलिए मेरा रابطہ अफसरों के साथ रहता था। GHQ ने एक खुफिया पंफलेट लिखा था जो सिर्फ अफसरों तक पहुँचाया गया था। इस पंफलेट में वो सारे तरीके लिखे गए थे जो जापान के मुकामी एजेंटों और जासूसों ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा में इस्तेमाल किए थे। ये बड़ा ही दिलचस्प पंफलेट था। जापानियों ने एक और तरीका इख्तियार किया था जो जापान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, ये है इंडियन नेशनल आर्मी। इस तरह बनी थी कि कांग्रेस का एक बंगाली लीडर सुभाष चंद्र बोस बंगाल से फरार होकर जापान चला गया था। इसे दरअसल महात्मा गांधी और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडरों ने इस पैगाम और प्लान के साथ भेजा था कि जापान हिंदुस्तान पर हमला करे तो कांग्रेस, जो खालिस्तन हिंदुओं की जमात थी, जापानी फौज की पूरी पूरी मदद और रहनुमाई करेगी। इस प्लान के मुताबिक जापान की हुकूमत ने ये कार्रवाई की कि इसने इंडियन आर्मी के अफसरों और सिपाहियों वगैरह की एक अलग फौज बना ली जिसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया। ये हिंदुस्तानी अफसर और जवान जापान के पास मौजूद थे और इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में थी। ये वो जंगी कैदी थे जो सिंगापुर, मलाया और बर्मा से जापानी फौज के हाल लगे थे। यकीन करें कि जापानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज की पूरी पूरी पलटने पकड़ ली और इनसे हथियार डलवा कर इन्हें जंगी कैदी बना लिया। मसलन मैं एक बटालियन को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये थी 8वीं पंजाब रेजिमेंट की 1st बटालियन। इसे जापानियों ने एक राउंड भी फायर करने की मोहलत नहीं दी थी। पूरी की पूरी बटालियन से हथियार डलवा कर सारी नफरी को कैदी बना लिया था। हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में जो फौज थी इसमें एक मजाक मशहूर था कि अंग्रेज़ों ने इंडियन आर्मी की 2 पलटनें सिंगापुर और मलाया कमक के तौर पर भेजी तो जापानियों ने अंग्रेज़ों को ये पैगाम भेजा कि आपकी 2 पलटनें बखैर खूबी वसूल पाईं, आपका शुक्रिया। नक्शे में देखे जापान कितनी दूर मुल्क है। इसकी फौजें आज के इंडोनेशिया के जजायर पर कब्जा करने के लिए आती हैं। जापानी हुकूमत को मालूम था कि ये अंग्रेज़ों की सल्तनत है और वहाँ फौज मौजूद है। ये इलाके जो दरअसल छोटे बड़े हज़ारों जज़ीरों का मजमूआ है, जापानी फौज के लिए अजनबी इलाके थे। अगर ये एक ही मुल्क होता और ये सारी खुश्की होती तो और बात थी, लेकिन ये जज़ीरे ही जज़ीरे थे जिनमें जापानी अजनबी थे। लेकिन जापानी फौजें इस तरह आई और इन तमाम जज़ीरों पर इस तरह फैल गईं और अंग्रेज़ों की फौज से हथियार डलवा कर काबिज हो गईं, जैसे वो इन हज़ारों छोटे बड़े जज़ीरों के एक एक इंच से वाकिफ थी। मैं आपको हकीकत बता चुका हूँ, ये इन मुकामी लोगों का कमाल था जो जंग से पहले बहुत अरसा पहले जापान के जासूस बने थे। उन्होंने जिस तरह जापानियों की रहनुमाई की वो मैंने मुख्तसरन बयान कर दी। बात रही थी INA की। जापानियों ने जंगी कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इनसे इतनी ज़्यादा मुशक्कल ली जाती थी जो इंसानी जिस्म के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। खुराक इतनी कम और ऐसी ख़राब दी जाती थी कि कैदियों के जिस्म कमज़ोर होते गए। इनमें जो बीमार हो जाता या ज़्यादा मुशक्कत और कम गिज़ा की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता इसे गोली मार दी जाती थी।
यहाँ तक सुना था कि जापानी सिपाही जंगी कैदियों को दरख्तों के साथ बांधकर या बांधे बगैर अपने सामने खड़ा करके इन पर संगीन बाजी की मशक किया करते थे। ये तो सब जानते थे कि राइफल के आगे संगीन चढ़ी होती है। संगीन बाजी की एक अलग थलग ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बोरियों में भूसा भरकर दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे डिमी कहते हैं। जापानी फौज जिंदा कैदियों को डिमी के तौर पर इस्तेमाल करती। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इन जिंदा फौजियों के जिस्म किस तरह छलनी होते होंगे, बल्कि किस तरह चीर फाड़े जाते होंगे। जब हिंदू कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस ने जापान के बादशाह हिरोहिटो के साथ मामला तय कर लिया और मुलाया बर्मा वगैरह में इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद रख दी, इंडियन आर्मी के जो हजारों जंगी कैदी जापान के पास थे, इन्हें कहा गया कि इस तरह एक फौज खालिस्तन हिंदुस्तान की बनाई गई है और ये फौज हिंदुस्तान को आज़ाद कराएगी और फिर अंग्रेज भाग जाएंगे और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की अपनी हुकूमत होगी। जंगी कैदियों को इस फौज में शामिल होने के लिए कहने वालों में एक तो सुभाष चंद्र बोस था और इसके साथ हिंदुस्तानी फौज के चंद एक हिंदुस्तानी अफसर थे जो जंगी कैदी थे। जाहिर है कि इंडियन आर्मी के इन अफसरों और जवानों को सब्ज बाग दिखाए गए थे और इन्हें सबसे बड़ी सहूलत तो ये नजर आई कि वो जंगी कैदी नहीं रहेंगे बल्कि एक फौज के बाकायदा फौजी बनकर जापानियों के मेहमान होंगे। जंग के बाद इस इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान मुझे मिले, उन्होंने बताया कि वो इस मुशक्कत और कम और नाकिस गिजा से बचने के लिए जो जंगी कैदियों की किस्मत में लिखी गई थी, INA में शामिल हुए थे। INA के सिलसिले में तीन नाम बहुत मशहूर थे। इनमें एक मुसलमान था, इसका नाम कैप्टन शाहनवाज था, एक हिंदू था और एक सिख। इन दोनों के नाम मुझे याद नहीं रहे और मुझे ये भी शक है कि तीसरा कैप्टन भी हिंदू था या सिख था। इन तीनों को INA में बड़े ओहदे दिए गए थे। इनका यानी इस फौज का कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस था। मैंने बहुत बाद में अंग्रेजी की एक किताब देखी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी। इसने जर्नैली वर्दी पहन रखी थी और इसके साथ दो जवान और खूबसूरत हिंदू औरतें थीं। ये औरतें भी फौजी वर्दी में थीं। पता चला कि सुभाष चंद्र बोस खूबसूरत औरतों का रसिया था और इन दो औरतों को हर जगह अपने साथ रखता था। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो मलाया सिंगापुर वगैरह के इलाकों में ही रहता था जिस पर जापानियों का कब्जा था। बाद में ये इंकशाफ भी हुआ कि ये जो तीन कप्तान INA के कमांडर बनाए गए थे, वो जब इकट्ठे बैठते तो हिंदुस्तान को आपस में बांटते रहते थे। एक कहता कि इतना मुल्क और फलां फलां इलाके मेरे होंगे, दूसरे दो अपने अपने इलाके अलग करते थे। इन्हें 100% यकीन था कि जापान की फौजी मदद से वो हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे और आपस में बांट लेंगे। तासुर ये दिया जाता कि INA किसी एक मजहब या कौम की फौज नहीं, बल्कि ये तमाम हिंदुस्तानियों की फौज है और जब ये फौज हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेगी तो हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी। ये हुकूमत ना हिंदुओं की होगी, ना सिखों की और ना मुसलमानों की, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाई भाई होंगे। हकीकत ये थी कि ये फौज हिंदू कांग्रेस ने बनवाई थी और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजी राज से आज़ाद करा के यहाँ हिंदू राज कायम किया जाए। ये कोई पेचीदा मसला नहीं था। इतनी सी बात तो हर कोई समझ सकता था कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी लीडर था और इसे जापान भेजने वाले कांग्रेसी के करता धरता लीडर थे। जंग ख़त्म होने के बाद ये तीनों कप्तान पकड़े गए थे और दिल्ली के लाल किले में इनका कोर्ट मार्शल हुआ था और इनका वकील पंडित जवाहरलाल नेहरू था जिसने तीनों को छुड़वा लिया। सुभाष चंद्र बोस जंग के दौरान ही जापान में एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था और हवाई जहाज़ एक अड्डे पर उतरते हुए क्रैश कर गया और सुभाष चंद्र बोस मारा गया। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताऊं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के सख्त खिलाफ था। हालांकि हिंदू गांधी को अपना रूहानी बाप तस्लीम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी थी जिसमें इसने महात्मा गांधी के दोगलेपन और दीगर अयारियों को बेनकाब किया था। इसकी वजह यह बताई गई थी कि सुभाष चंद्र बोस खुद कांग्रेस का इतना ही बड़ा लीडर बनना चाहता था जितना बड़ा गांधी या पंडित नेहरू था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।